हेलो गाइज, आज के समय हम बात करेंगे सीटी का करेक्शन। तो गाइज, यदि आपको सीटी में करेक्शन करना है कैसे करेंगे कंप्लीट मैं इस वीडियो में बताऊंगा। पहले तो आपको नॉर्मल डिटेल इसमें बता देता हूँ क्या क्या होंगे इसमें। जैसे आपकी कास्ट कैटेगरी होगी, यानी कास्ट जो कैटेगरी है वो भी आपको चेंज करनी है। यानी आपके एडमिट कार्ड जब आया था, आपने एग्जाम दिया था सीटी का सी ग्रुप का, यानी आपके एडमिट कार्ड में जैसे कि मान लो आपकी जो भी कैटेगरी है उस कैटेगरी को छोड़कर दूसरी कैटेगरी गलती से आ गई है डिपार्टमेंट की वजह से या फिर पीपी की वजह से, यानी आपकी फैमिली आईडी में रॉन्ग कैटेगरी फिल की हुई है, उस वजह से आपका एडमिट कार्ड में अभी कैटेगरी चेंज होकर आ गई होगी, उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर कास्ट कैटेगरी वाले ऑप्शन को चूज करेंगे, वहां से मैं फॉर्म भर के मैं आपको बता दूंगा। इस वीडियो में कम्प्लीट बताऊंगा, बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो गाइज, नेक्स्ट वाले में बात करें सोशियो इकोनॉमिक। यदि आपको 5 नंबर लेना है, जैसे आपके पास नो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हो, आपके परिवार में कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो ये फॉर्म जरूर से अप्लाई करें, तो आपको 5 नंबर मिलेंगे वरना नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम बात करेंगे इसमें एक्सपीरियंस रिलेटेड। ये तो गाइज आपके पास एक्सपीरियंस है सी ग्रुप से रिलेटेड, तो एक्सपीरियंस जरूर से अप्लाई करें। तो ग्रुप के उसमें अप्लाई करने के बाद में जो भी आपकी ईयर होंगी एक्सपीरियंस की, उसके अनुसार आपको नंबर भी दे दिए जाएंगे इसमें। अब नेक्स्ट में हम बात करेंगे आपकी ईडब्ल्यू से रिलेटेड। तो गाइज, यदि आपके रिजल्ट में प्रोविजनल लिखा रहा है, क्वालिफाइड प्रोविजनल, तो आपको सभी कैंडिडेट को आपको ईडब्ल्यूएस वाला सर्टिफिकेट है वो जरूर से अप्लाई करना है, उसमें अपलोड करना होगा। ईडब्ल्यूएस वाला ऑप्शन कैसे चूज करना है वो भी इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। गूगल के होम पेज से ओपन करूंगा साइट को, उसमें बताऊंगा कैसे कैसे अपलोड करना है। तो गाइज, वहां पर जाके जरूर से चेकआउट कर सकते हैं क्या क्या डिटेल की आपको जरूरत पड़ेगी। तो गाइज, यहाँ पर मैं कंप्लीट आपको बता दूंगा गूगल के होम पेज से ओपन करके। अब नेक्स्ट में हम बात करेंगे ईएसएम यानी एक्सपीरियंस में रिलेटेड, तो उसको भी हम कैसे करेंगे वो भी इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा क्या क्या अपलोड करना है। सिर्फ आपको एक बार ही मौका मिलेगा, दोबारा नहीं मौका मिलेगा। ध्यान रखे, आपको प्रीव्यू करने से पहले ध्यान से रखना, डेट चेक, इसमें डिटेल चेक कर लेना। यदि आपको जो भी चेंज करनी है एक साथ ही चेंज करनी है, जैसे कास्ट का डिग्री चेंज करना चाहें वो भी एक साथ चेंज करेंगे, सोशियो इकोनॉमिक 5 नंबर लेना चाहें तो वो भी एक बार टिक कर ले, यदि फिर उसमें ईडब्ल्यूएस का करना चाहें तो वो भी एक ही बार चूज कर ले। दोबारा मौका नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है कि मान लो कि आपने मतलब आपको ईडब्ल्यूएस वाला चेंज करना है तो उस पर टिक करके आपने वो प्रूव कर लिया, फिर सबमिट कर दिया, फिर उसमें अपलोड कर दिया, फिर दोबारा से लॉग आउट करके फिर दोबारा लॉग इन करोगे तो ऐसा नहीं होगा आपका, फिर वो लॉक हो जाता है आपका, सिर्फ एक ही चांस मिलता है इसमें। तो गाइज, मैं ये कहना चाहूंगा आपको, मेरी दरखास्त है कि आप अच्छे से ध्यान से इस फॉर्म को फिल करें, ध्यान पूर्वक अच्छे से। यदि आपको फिल करना नहीं आता है तो कहीं पर ही साइबर कैफे पे जाके वहां से अपना अपलोड करवाएं, डॉक्यूमेंट ठीक से करवाएं, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करें, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि अपने मोबाइल से भी करेंगे, ध्यान पूर्वक करें, अपने मोबाइल से कर सकते हैं, पीसी लैपटॉप से भी कर सकते हैं, जैसा कि इस वीडियो में कंप्लीट बताऊंगा गूगल के होम पेज से ओपन करके कैसे साइट ओपन करनी है। यदि आपको साइट ओपन नहीं करनी आती है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां से जाके दूसरे चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस, अब मैं आपका समय वेस्ट नहीं करते हुए साइट को ओपन कर लेते हैं, वहां पर आपको बता देता हूँ क्या क्या डिटेल उसमें फिल करनी होगी। तो गाइस, अब मैंने गूगल का होम पेज भी ओपन कर लिया है, यहाँ पर हम लिखेंगे SSC SSC CET लिख देंगे। जैसे यहाँ पर लिखने के बाद हम इसको सर्च कर लेंगे, जैसे सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है हरियाणा रिक्रूटमेंट पोर्टल, ये वाली जो लाइन है यहाँ पर फर्स्ट, इसी को हम क्या करेंगे यहाँ से टाइप करने के बाद में इसको ओपन कर लेंगे, तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो गाइज, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन भी लिखी हुई हैं, सोशियो यानी इकोनॉमिक्स के रिलेटेड भी हैं। यदि सी ई टी रिटर्न एग्जाम स्कोर 38 नंबर आपके प्लस हैं तो आप ये फॉर्म जरूर से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हरियाणा के मूल निवासी होना जरूरी है, सी ई टी की लिखित परीक्षा के 38 के बराबर या उससे अधिक अंक हैं, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करनी जरूरी है। यानी आपको करेक्शन करने के लिए क्या क्या करेक्शन करना है वो कंप्लीट यहाँ पर हम देखेंगे। तो गाइज, सबसे पहले आपको फॉलो करना होगा, अपने मोबाइल नंबर यहाँ से फिल कर देंगे, फिर ये कैप्चा, फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे लॉगिन करेंगे यहाँ से, ठीक है। लॉगिन करने के बाद में अगली इन्फॉर्मेशन क्या ओपन होगी वो भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो गाइज, हमारा मोबाइल पे जैसे हमने ओटीपी के लिए किया, ओटीपी आ गया हमारा, हमने ओटीपी फिल कर दिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे सबमिट कर देंगे, तो जैसे हम सबमिट करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है, ये साइट हमारी ओपन होगी। यहाँ पर क्लेम वेरिफिकेशन की डिटेल है, वो विड्रॉ करना चाहते हैं या क्लेम करना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। इंस्ट्रक्शन यहाँ पर कंप्लीट आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन देखने के बाद में सबसे लास्ट में कॉर्नर में आपको ऑप्शन मिलेगा आई एग्री का,
यहाँ पर हम क्या करेंगे, आई एग्री कर देंगे तो सेट को सेकंड के लिए चलेगी। चलने के बाद में क्या करेंगे, फिर हम सबमिट कर देंगे यहाँ से, ठीक है। ये सबमिट का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसको हम सबमिट भी यहाँ से कर लेते हैं। सबमिट जैसे करेंगे तो अगला ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, हमारा नेक्स्ट पेज भी ओपन हो जाएगा। इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा हमारा, जैसे कि यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देख पाएंगे, क्लेम वेरिएशन फॉर सीटी 2022 ग्रुप सी, यानी सी ग्रुप के लिए आपको दवा सत्यापन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर इस तरह से इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। कंप्यूटर वेरिफिकेशन की डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, क्या क्या डिटेल है वो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ गाइज। तो गाइज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर देख पाएंगे कास्ट कैटेगरी, सोशो इकोनॉमिक कैटेगरिया, या फिर यहाँ पर देख पाएंगे इकोनॉमिकल सेक्शन इन EWS, ठीक है। यहाँ पर देख पाएंगे एक्स सर्विसमैन, ठीक है। इन सभी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम बात करेंगे कास्ट कैटेगरी। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अपने एडमिट कार्ड में आपकी कास्ट चेंज होकर आ गई है, तो यहाँ पर आपको कास्ट का अपना जो अपने कैटेगरी का बनवा रखा है, जैसे कि मान लो आपके पास शेड्यूल कास्ट है या फिर बैकवर्ड कास्ट का है, जो भी है उसको यहाँ पर टिक करने के बाद में आपको सबमिट कर लेना होगा, ठीक है। इस तरह सोशो इकोनॉमिक का यहाँ से करेंगे, फिर यहाँ पर EWS का भी और एक्सेसमेंट का भी, इस तरह से कंप्लीट यहाँ पर इन्फॉर्मेशन करेंगे। जैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं सोशो इकोनॉमिक का 5 नंबर से रिलेटेड, यहाँ पर यदि आपको एक्सपीरियंस करना चाहें, ऐड करना चाहें तो एक्सपीरियंस वाले पर टिक कर दें, या फिर नो जॉब के लिए यहाँ पर करना चाहें तो इस पर टिक कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पर टिक करेंगे तो आपको इस तरह से दो लाइन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, आई वांट टू वेरीफाई माई क्लेम स्टेटस। यदि आप क्लेम करना चाहते हैं तो ये ग्रीन वाली फर्स्ट जो लाइन है उसको टैप कर लेंगे, यदि टिक कर लेंगे, ठीक है। यदि नहीं करना चाहते हैं, हम क्लेम नहीं करना चाहते हैं, 5 नंबर के लिए छूट का क्लेम नहीं करना चाहते हैं, तो सेकंड वाली जो लाइन है उस पर टिक करेंगे, वन टू फॉरगेट माई क्लेम स्टेटस, यानी मैं अपना दावा छोड़ना चाहता हूं, तो उस पर टिक करेंगे तो आपको यहां पर कुछ भी देखने को मिले नहीं मिलेगा, PDF फाइल वगैरह कुछ भी नहीं देखने को मिलेगी। इस तरह से आप जैसे मैंने आप बात करें जैसे कास्ट कैटेगरी, यदि कास्ट कैटेगरी भी जैसे टिक करेंगे तो आपकी जो भी कास्ट होगी यहाँ पर आपको दिखा देगा, रॉन्ग कैटेगरी होगी यहाँ पर दिखा देगा रॉन्ग, ठीक है ना। जिसमें आपके एडमिट कार्ड में जारी है वो यहाँ पर दिखाएगा, अरे जो आपकी PP में रॉन्ग कैटेगरी है वो यहाँ पर कास्ट है वो यहाँ पर फेल हो जाएगी, ठीक है। अब इस पे दावा करना चाहते हैं तो फर्स्ट वाली जो लाइन है उस पर हम टिक कर देंगे, टिक करने के बाद में अगला ऑप्शन हमारा ओपन हो जाएगा इस तरह का ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपनी जो कास्ट कैटेगरी है वो यहाँ पर चूज फाइल करके, यानी 500 KB के अंडर की PDF फाइल बनाएंगे। PDF फाइल बनाने के बाद में यहाँ से चूज फाइल करेंगे, उसको यहाँ से अपलोड कर लेंगे, फिर उसके बाद में जो कास्ट कैटेगरी हमारा सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पर फिल कर देंगे, ठीक है। उसकी इश्यू डेट क्या है वो यहाँ पर दर्ज कर देंगे, और यहाँ पर कौन सी अश्यूंग अथॉरिटी है, जो भी तहसीलदार से, SDM से, DM से जो भी है उसका नाम यहाँ पर फिल कर देंगे। जैसे फिल करने के बाद में अगला ऑप्शन पर हम पहुँच जाएंगे यहाँ पर नो जॉब से रिलेटेड। तो गाइज यहाँ पर हम नो जॉब से रिलेटेड यहाँ पर हम बात करें तो फर्स्ट वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक PDF फाइल का ऑप्शन मिल जाएगा ये, ठीक है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, यानी नो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है ये PDF फाइल, ठीक है। यानी यहाँ से डाउनलोड करके भी अपना आपको प्रिंट निकालना होगा, प्रिंट निकालने के बाद में सेल्फ डिक्लेरेशन फिल करना होगा, साइन करना होगा, आपका PP नंबर, आधार नंबर, आपका एड्रेस फिल करने के बाद में यहाँ पर आपको 500 KB के अंडर में PDF फाइल आगे यहाँ पर आपको अपलोड कर लेनी होगी। अपलोड करने के बाद में क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे पहुँच जाएंगे हम यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर करने के बाद में जो भी अगला ऑप्शन हमारा होगा यहाँ पर देख पाएंगे EWS का, यानी EWS का ऑप्शन पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम यस कर देंगे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे। EWS सर्टिफिकेट वो यहाँ पर हम चूज फाइल बना लेंगे, PDF फाइल, यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर फिल कर देंगे, इश्यू की डेट फिल कर देंगे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इश्यू अथॉरिटी कौन सा डिपार्टमेंट है उसको यहाँ पर नाम दर्ज कर देंगे। तो जैसे हम नाम दर्ज करेंगे उसके बाद में अगला ऑप्शन होगा हमारा एक्स सर्विसमैन का। तो गाइज यहाँ पर देख पाएंगे एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड, तो एक्स सर्विसमैन इनमें से कौन सा है आपको यहाँ पर ध्यान रखें, इनमें से जो भी है उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। मान लो कि आपका ESM सेल्फ का है तो यानी यहाँ पर दावा करना चाहें तो इस पर टिक करें। टिक करने के बाद में अगला ऑप्शन क्या होगा, आपको डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर अपलोड करने होंगे। अपलोड करने के बाद में जैसे हमारा कंप्लीट हो जाएगा, अपलोड होने के बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू कर देंगे। प्रिंट प्रीव्यू करने के बाद में तो आपका फॉर्म जो भी करना है आपको, जैसे कि मान लो हमारा हमें दो सेलेक्ट करने हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ पर देख पाएंगे मान लो आपको कास्ट कैटेगरी का भी यहाँ पर क्लेम करना है, सोशियो इकोनॉमिक का क्लेम करना है, EWS का क्लेम करना है, इन तीनों को सेलेक्ट कर लें।
इन तीनों पे टिक करने के बाद में कंप्लीट फिल करें, फॉर्म फिल करने के बाद में ही, यानी आपको सिर्फ एक ही चांस दिया जाएगा, ना कि दो बार चांस दिया जाएगा, एक ही चांस मिलेगा आपको, सिर्फ एक चांस में ही आपको कंप्लीट करने को। तो गाइस यहाँ पर कम्प्लीटली ठीक है, वरना ऐसा नहीं है कि आपने मान लो कास्ट कैटेगरी का एक बार फिल कर दिया, फिर वहाँ पर प्रिंट पेरू कर लेंगे, सबमिट कर देंगे, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी आपका, फिर आपका फॉर्म क्लोज हो जाता है यहाँ पर, सिर्फ आपको एक बार मौका मिलेगा। ठीक है, यानी इनमें से जो भी आप करना चाहें, जैसे ये भी करना चाहें तो इस पर टिक कर लें, ये सोशो इकोनॉमिक करना चाहें तो इस पर टिक कर लें, ई डब्ल्यू का लगाना चाहें तो इस पर टिक कर लें, यदि जो भी करना चाहें उन बस टिक कर लें। जैसे टिक करने के बाद में फिर आपका जैसे प्रीव्यू करेंगे, प्रीव्यू करने के बाद में आपको फॉर्म क्या हो जाता है यहाँ पर लॉक हो जाता है। यहाँ पर हम प्रीव्यू कर लेते हैं, प्रीव्यू करने के बाद में क्या करेंगे, ठीक है, आपको लास्ट में यहाँ पर आपको प्रिंट का ऑप्शन देखने मिल जाता है, यहाँ पर हम प्रिंट निकालेंगे, ये जो पीडीएफ फाइल ये कंप्लीट हमने फिल किया है, ये फॉर्म कम्प्लीटली, इस प्रिंट इसका यहाँ से हम क्या करेंगे प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट करने के बाद में हम क्या करेंगे उसको अपलोड कर देंगे, चूज फाइल अपलोड करने के बाद में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा यू रिक्वेस्ट हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, यानी हमारा फॉर्म है जो कम्प्लीट सक्सेसफुली हो चुका है, यानी यहाँ पर कम्प्लीट होने के बाद में अब ये हम दोबारा से ओपन नहीं कर सकते इसको, ये हमारा फॉर्म लॉक हो जाता है, यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे आपको। ठीक है, यहाँ पर देखने को मिल जाता है आपको इस तरह के इन्फॉर्मेशन। तो गाइस जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ आपको लॉक होने के बाद में आपको किस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है यहाँ पर। तो गाइस आपको यहाँ पर इस तरह का इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है, यानी यहाँ पर जैसे मैंने टिक कर रखा है वो यहाँ पर शो कर रखा है, और यहाँ पर मैंने जो टिक कर रखा है वो यहाँ पर शो हो रहा है, यानी इन दोनों को मैंने टिक करके कम्प्लीट सबमिट भी कर दिया है, यानी इसके बाद में आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। तो गाइस यहाँ पर आपको टिक किया हुआ है, अब ये दोबारा से ओपन नहीं होगा, यदि आप ये करना चाहें तो ये आपका बिल्कुल भी ओपन नहीं होगा, इस तरह से ये क्लोज हो जाता है ऑटोमेटिकली, सिर्फ आपको एक बार ही मौका मिलता है इस फॉर्म को फिल करने। तो गाइस इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, वहाँ से अपन डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट रिलेटेड भी कर सकते हैं। तो गाइस इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में आपका मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, इसमें मैं नेक्स्ट वीडियो में आपने कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दी है, खुल के बताया है कम्प्लीटली। इस वीडियो को जरूर से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपने कम्प्लीट कर लिया है तो इस तरह अपन दूसरा दोस्त है वो शेयर है, मित्र है, उसके पास भी शेयर करें, ताकि वो भी अपना इस तरह से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अपने मोबाइल से कर सकते हैं, इसी लैपटॉप से कर सकते हैं। तो वैसे वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय।